गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग ने हाफ फील्डिंग दिया, आशा करती हूं आप लोग ने अच्छा किया होगा उसमें। और अब हम लोग आगे जो शेष रह गया है पार्ट उसका अध्ययन करेंगे। संस्कृत में हम लोग ने केवल दो चैप्टर पढ़ा था, आज हम लोग तीसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सदाचारोपदेश। तो आप लोग अपनी बुक को निकाल लीजिए बच्चों, जैसे हम पढ़ेंगे साथ साथ आप लोग भी उसको दोहराइएगा, इससे आपको उसको पढ़ना आएगा और कैसे हम संधि विच्छेद करते हुए शब्द के एक एक अर्थ बताते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको उसका अनुवाद अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ, सदाचार प्लस उपदेश, दो शब्द मिले हैं बच्चों, सद प्लस आचार सदाचार होता है और इसमें उपदेश जुड़ा हुआ है, सदाचारोपदेश यानी सदाचार का उपदेश। संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मन्नासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनना उपासते। बच्चों ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, समगच्छध्वम, समगच्छध्वम मतलब होता है साथ साथ चलो, संवदत्वम मतलब साथ साथ, वद मतलब बोलना होता है, ठीक है तो साथ साथ बोलो। और सम वो मन्नासी जानताम, वो मतलब होता है अपने, वह शब्द है उसी से बना वो, तो वह वह में विसर्ग लगा रहेगा, ठीक है वह मतलब होता है अपने, और मन्नासी मतलब मनो को, अपने मनो को सम जानताम मतलब मिलकर जानो, सम जानताम मतलब मिलकर जानो, तो अपने मनों को मिलकर जानो साथ साथ। फिर से बता रहे हैं, तुम सब अंडरस्टूड है, वहां पे आप लिखिएगा तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मनों को, मन्ना से मतलब मनों को, अपने मनों को मिलकर जानो। देवा भागम यथा पूर्वे, यथा मतलब जिस प्रकार, पूर्वे देवा पूर्ववर्ती देवता जो है, भागम यानी अपने अपने भाग को जानते हुए, संजनाना यानी ज्ञान पूर्वक, संजनाना मतलब ज्ञान पूर्वक, उपास्यते मतलब उपासना करते हैं या पूजा करते हैं। अब पूरे लाइन का सुनिए, जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता अपने अपने भाग को जानते हुए ज्ञान पूर्वक क्या करते हैं, उपासना करते हैं, उसी प्रकार आप लिखेंगे, ठीक है इस ब्रैकेट में लिखिएगा उसको, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। नेक्स्ट देखिए, कुर्वन एव इह, यहां पे बच्चों तीन शब्द जुड़ा हुआ है, विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा, कुर्वन एव इह, कुर्वन कुर्वन मतलब करते हुए और एव मतलब होता ही, इह इह मतलब इस संसार में, इसमें ये छिपा हुआ इह, इह मतलब इस संसार में, कुर्वन यानी कर्म को करते हुए, एव मतलब ही, कर्माणि मतलब होता है कर्म, ठीक है कर्म को करते हुए ही, जिजीविषेत इच्छितम समा, जिजीविषेत शतम, यहाँ पे बच्चों जब विच्छेद करेंगे तो जिजीविषेत प्लस शतम प्लस समा है, ठीक है तीन शब्द है ये मिलके तब बना है, तो जिजीविषेत यानी जीने की इच्छा करें और शतम मतलब होता है 100 वर्ष तक,
समा मतलब सौ वर्ष, शतम समा मतलब सौ वर्ष तक कर्म को करते हुए क्या करना चाहिए, इस संसार में कर्म करते हुए ही क्या करना चाहिए, सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करें। एवं त्वय, एवं इस प्रकार, त्वय तुम्हारे लिए, ठीक है, ना अन्यथा इत अस्ति। यहां बच्चों ये चार शब्द मिलके ये शब्द बना है, ध्यान दीजिए, न है सबसे पहले, फिर अन्यथा है, फिर इत है, इसमें इत है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहां मिलेगा इत, और ये है अस्ति। ये जो एस नुमा दिख रहा है ना बच्चों, ये अवग्रह चिन्ह है, इसका उच्चारण आ से किया जाता है। तो न अन्यथा इत अस्ति, यानी इत मतलब इससे और अन्यथा मतलब अलग, इससे अलग, ना मतलब नहीं और अस्ति मतलब है, इससे अलग नहीं है। इस शब्द का पूरे का अर्थ यही हुआ कि इससे अलग नहीं है। क्या चीज नहीं है यहां पे, ना कर्म लिप्यते नरे। एवं त्वयि, एवं त्वयि, त्वयि मतलब तुम्हारे लिए, त्वयि मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है, और ऐसा करने से व्यक्ति जो है वो क्या होता है, ना कर्म लिप्यते, नरे मतलब मनुष्य या व्यक्ति, ठीक है, और ना मतलब नहीं, कर्म, कर्मों में लिप्यते मतलब लिप्त नहीं होता, ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म को करते हुए सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करें, इससे अलग क्या है, तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है, और ऐसा करने से व्यक्ति, नरे, नरे मतलब व्यक्ति या मनुष्य जो है, कर्म में लिप्त नहीं होता, ना मतलब नहीं होता। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मधु मन में निष्क्रमणम, मधु मन में परायणम, वाचा वदामी मधुमत भूयासम मधु सदृश। मधु, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो मधुमत प्लस मे होगा, क्या होगा, मधुमत प्लस मे, मे मतलब मेरी और मधुमत मतलब मधुमेह, मेरी मधुमेह निष्क्रमणम, निष्क्रमणम मतलब प्रवृत्ति, निष्क्रमणम मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति, मधु मधुमत प्लस मे, फिर लिखा है मधुमत प्लस मे मतलब मे मतलब मेरी मधुमेह, परायणम, परायणम मतलब होता है निवृत्ति, और मेरी मधुमेह क्या हो, निवृत्ति हो, मेरी संसारिक कार्यों में कैसे क्या हो, मधुमेह, मेरी प्रवृत्ति हो और मेरी मधुमेह क्या हो, निवृत्ति हो। वाचा वदामी, वाचा मतलब वाणी, वाचा मतलब क्या होता है, वाणी, और वदामी, वदामी मतलब होता है बोलता हूं, कैसा बोलता हूं, मैं मधुर, मधुमत, मधुमत मतलब मधुरता से युक्त, मैं वाणी वदामी मतलब बोलूं, भूयासम मधु, मधु सदृश, मधु और मधुर सदृश यानी मधुर देखने वाला, मैं क्या हूं, भूयासम, भूयासम मतलब होता है मैं हूं, मधु
के मधुर देखने वाला मैं हूं। एक बार फिर से पूरे का अर्थ देखिए, मधुमत प्लस में है। मधुमत मतलब होता है बच्चों मधुमय, और मे मतलब मेरी, और निष्क्रमणम मतलब होता है प्रवृत्ति। मेरी मधुमत क्या हो, प्रवृत्ति हो। यहां पे कह रहे हैं मेरी किसमें, सांसारिक कार्यों में। इसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा, सांसारिक कार्यों में, इसको ब्रैकेट में, मेरी सांसारिक कार्यों में मधुमेह क्या हो, प्रवृत्ति हो, और मेरी मधुमेह निवृत्ति हो। सांसारिक कार्यों में मधुमेह निवृत्ति भी हो। वाचा वदामि मधुमत, और मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं। वदामी मतलब बोलूं। भूयासम मधु सदृशः, और मधुर देखने वाला, भूयासम मतलब मैं हूं, मैं हूं कैसा हूं, तो मधुर सदृशः, मधुर देखने वाला हूं। नेक्स्ट देखिए, आचार लभते, आचारात प्लस लभते होगा, जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आचारात प्लस लभते ही आयु, आचारात लभते श्रेयम। श्री मतलब आप सब लोग जानते हैं, श्री मतलब होता है लक्ष्मी या धन, ठीक है। आचारात लभते यानी सदाचार से, लभते मतलब प्राप्त करता है, आज सदाचार से प्राप्त करता है। ही आयु, ही प्लस आयु, ही मतलब होता है निश्चित रूप से, ही मतलब निश्चित रूप से, ही आयु मतलब आयु को, निश्चित रूप से आयु को क्या है, प्राप्त करता है। कौन, जो पुरुष जो है वो सद निश्चित रूप से सदाचार से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। आचारात लभते श्रेयम, और सदाचार से लक्ष्मी, श्रेयम मतलब लक्ष्मी या धन को, लभते मतलब पाता है। आचारात कीर्तिम आपनोति, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कीर्तिम प्लस आपनोति। आचारात यानी सदाचार से कीर्ति को यानी यश को प्राप्त करता है। कौन, पुरुषः, पुरुष जो है, यहाँ पे हमने शुरू में आपको बताया था ना पुरुष निश्चित रूप से, तो ये जो पुरुष शब्द है ये यहाँ आएगा, ठीक है। प्रेत्ते चेह च, प्रेत्ते, प्रेत्ते मतलब बच्चों होता है मृत्यु के बाद, प्रेत्ते मतलब मृत्यु के बाद या परलोक में, और चेह मतलब होता है च प्लस एह, च मतलब और एह मतलब इस संसार में, एह मतलब इस संसार में, और च मतलब यहाँ पे और। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कि सदाचार से इस चेह यानी इस लोक में, और प्रेत्ते यानी परलोक में, कीर्तिम आपनोति, कीर्ति यानी यश को प्राप्त करता है। कौन, पुरुष, ठीक है। अब पूरे का एक बार बता दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा, कि पुरुष जो है वो क्या करता है, निश्चित रूप से, ही मतलब निश्चित रूप से, सदाचार से आयु प्राप्त करता है, और सदाचार से धन यानी लक्ष्मी को प्राप्त कर पाता है। और फिर उसके बाद आप यहां आ जाएंगे, और इस लोक में, इह मतलब इस लोक में, चा मतलब और इस लोक में, प्रेत्य मतलब परलोक में यानी मृत्यु के बाद जो है, और परलोक में भी वो क्या करता है, सदाचार से कीर्तिम यानी यश को आपनोति मतलब प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए, ये नासिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्रादि उल्लंघिनः अधर्मज्ञः दुराचारस्ते भवन्ति
गता यशः। यहाँ पे बच्चों ये लिखा है कि नास्तिका है, यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला है, ठीक है, उसी को नास्तिक बोलते हैं। तो नास्तिका यानी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करने वाले, निष्क्रियाश। निष्क्रियाश मतलब होता है जो अकर्मण्य है, ठीक है, जो कर्म में काम नहीं करने वाला है। अकर्मण्य किसको बोलते हैं, काम ना करने वाले। और च मतलब होता है और। यहां पे गुरु शास्त्र उल्लंघना है, यानी गुरु और शास्त्रों के का उल्लंघन करने वाले, क्या है, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले अधर्मज्ञ, यानी जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, जो अधर्मज्ञ है। दुराचारस्ते यानी जो दुराचारी यानी बुरा आचरण करने वाले, भवंती, भवंती मतलब होते हैं। गत आयुष यानी कम आयु वाले, गत आयुष मतलब कम आयु वाले। अब पूरे का अर्थ देखेंगे बच्चों। जो व्यक्ति ईश्वर में के अस्तित्व में विश्वास नहीं ना करने वाले और कैसे होते हैं, निष्क्रियाश यानी अकर्मण्य, गुरु शास्त्र और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, धर्म को ना जानने वाले होते हैं, यानी जो दुराचारी होते हैं, वे क्या होते हैं, गत आयुष्यः, वे कम आयु वाले होते हैं। एक बार फिर से पूरे का सेंटेंस रूप में देख लीजिए कि जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करने वाले, अकर्मण्य यानी कि काम ना करने वाले, और क्या मतलब और, गुरु तथा शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, धर्म को अधर्मज्ञ है ना, यानी धर्म को ना जानने वाले और दुराचारी यानी बुरा आचरण करने वाले, भवंती मतलब होते हैं, वे कैसे होते हैं, गत आयुष, वे कम आयु वाले होते हैं। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो च अनुचिन्तयेत उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्याम कृत अंजलि। ब्रह्मे मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि कैसे, बुद्धेत, बुद्धेत मतलब जागना चाहिए, कब, ब्रह्म मुहूर्त में, व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्मार्थो और धर्म और उसके अर्थ का, अर्थ, अर्थ मतलब होता है बच्चों धन, ठीक है, धर्म और अर्थ का, चा मतलब और, धर्म और अर्थ का चिंतित यानी चिंतन करना चाहिए। यहां बताया जा रहा है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत मतलब जागना चाहिए, और धर्म अर्थोचा, धर्म और अर्थ यानी धर्म और धन का चिंतित मतलब चिंतन करना चाहिए। उत्थाय, उत्थाय प्लस आचम में है, उत्थाय मतलब उठकर, आचम में मतलब बच्चों होता है आचमन करके, मतलब कि कुल्ला करके। तिष्ठेत, तिष्ठेत मतलब बैठना चाहिए। पूर्व, पूर्वाम संध्याम यानी पूर्व संध्या के लिए, किसके लिए, पूर्व संध्या के लिए। कृत अंजलि, कृत अंजलि मतलब हाथ को अंजलि क्या करना चाहिए, कृत अंजलि मतलब हाथ को
जोड़ करके। देखिए अब पूरे का अर्थ, ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धियत मतलब जागना चाहिए, धर्म चा मतलब और अर्थो, अर्थो यानी अर्थ यानी धर्म और अर्थ का चिंतित मतलब चिंतन करना चाहिए। फिर है उत्थाय यानी उठकर, आचम्य यानी आचमन करके, कृत अंजलि हाथ को जोड़ करके, और हाथ को जोड़ करके पूर्व संध्याम पूर्व संध्या के लिए यानी प्रातः कालीन संध्या के लिए तिष्ठेत मतलब बैठना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बच्चों सिक्स श्लोक तक हमने आपको समझा दिया है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक एक शब्द का जैसे हमने अर्थ बताया वैसे ही आप भी हर शब्द का अर्थ उसको सीखिए कि किसका क्या अर्थ है, और फिर पूरे सेंटेंस का आप अनुवाद जो है सब श्लोकों का आप अनुवाद अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि परीक्षा के लिए आपके पास वो रहे पढ़ने के लिए। बच्चों सबसे पहले शुरू में लिखने से पहले आप इस चैप्टर का संदर्भ जरूर लिखिएगा, उसमें आप लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के सदाचार उपदेश नामक पाठ से अवतरित है। फिर उसके बाद श्लोक का पहला शब्द और आखिरी शब्द लिख करके डैश डैश करके आप लिखिएगा, उसके बाद अनुवाद लिखिएगा उस हिंदी में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।